हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस दिन ना मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी और ना मैंने मतलब मैं थोड़ा सा संभाल रही थी घर को। तो ना जिस दिन मैं काम करती हूँ उस दिन मैं सोचती हूँ कि मैं सारा व्लॉग बनाऊँ जो भी मैं करूँ। तो मैंने पहले ब्रेकफास्ट बनाया और ब्रेकफास्ट के बाद जाके सामान लेके, आपने देखा चिकन और ब्रेड नहीं थी और फ्रूट्स कुछ खीरा वगैरह था, सारे सामान जाके लेके आई। और जब पराठे बन रहे होते हैं ना तो समझा करें कि मम्मा ने बनाया, और जब ब्रेड बने तो समझ जाए कि मैंने बनाया नाश्ता, ठीक है। और वो ब्रेकफास्ट भी मैंने बनाया चार्जिंग लाइट में। उस टाइम हमारी लाइट भी नहीं थी, जनरेटर ऑन किया हुआ था, बट जनरेटर का मैंने आपको सिस्टम दिखाया हुआ कि हमारा एक ही स्विच बोर्ड जो है वो कनेक्टेड है उससे, जनरेटर के साथ। बस उसके बाद मैंने पुलाव की तैयारी शुरू कर दी है। मैंने यखनी के लिए मसाले निकाले हुए हैं, ज़ीरा, बादियान के फूल और बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और नमक। ये सारी क्वांटिटी हमने देख ली है कि मैंने कितनी कितनी ली है। और यहाँ पे अदरक लहसुन भी मैंने डाल दिया है। अब ये मर्ज़ी है कि आप साबुत डाल लें एक पूरा लहसुन और अदरक, और प्याज भी मैंने डाली थी इसके अंदर ना, वो मैंने क्लिप रिकॉर्ड शायद हुई नहीं है। उसके बाद मैंने प्याज और टमाटर वगैरह सब काट के रख लिया था। और उसके बाद फिर बीच में पापा की कॉल आ गई थी तो मैंने मसाले की, जब मैं बना रही थी उस टाइम पर मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। तो खैर ये देखें, पूरा मैंने पुलाव का मसाला रेडी कर लिया था। और उसमें से जिस टाइम यखनी बनाई थी ना, यखनी में से मैंने निकाल ली थी अली के लिए ये चिकन लेग पीस ना, लेग पीस और दो ना और भी मैंने उसमें से बोटियाँ निकाल ली थी अली को ब्रोस्ट के लिए फ्राई करके देने के लिए। और इस वक्त मैंने इसके ऊपर ना वो राइस भी सोख करके रख दिए थे, और मैंने इसके ना यखनी से निकाल के और फिर मैंने इस पर चिली सॉस, सोया सॉस, सॉल्ट और पेपर थोड़ा सा इस पर लगा के रख दिया था ताकि इसमें टेस्ट आ जाए अच्छा सा। फिर उसके बाद मैंने एग और ब्रेड क्रम्स के साथ इसको कोट किया और इसको भी साथ में फ्राई होने रख दिया। साथ में बराबर में पुलाव भी रेडी हो गया है। तो चावल भिगो दिए थे मैंने और फिर उसके बाद पुलाव में डाल के मैंने इसको, चावलों को भी बॉयल होने स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे चावल भी दम होने रखे हुए हैं, अभी हम दम खोलने वाले हैं। साथ में खीरा भी काट लिया। देखें मम्मा की तबीयत सही नहीं थी तो सारा मैं ही कर रही थी, दही के साथ तो इतने मज़े के लगते हैं ना चावल के। बस जिस दिन राइस के साथ दही ना मिले ना, उस दिन ना जब तक खाना खाते रहते हैं ना तो दही याद आता रहता है, इतना यम्मी लगता है ये राइस के साथ ना। और अभी ये देखें दम खोलते हैं पुलाव का, ज़बरदस्त सा वाइट। अच्छा मैंने ज़्यादा ना मसाले वाला नहीं बनाया था। और अली क्यों नहीं खा रहा था ये तो मैंने बताया है आपको शायद पहले कि अली की तबीयत ख़राब थी, तबीयत सही नहीं थी उसकी, तो ना वो राइस वगैरह उसके बंद थे, इस वजह से ना उसको ये लेग पीस फ्राई करके दे दिए थे। यहाँ पे मम्मा सुम्बुल के चैनल के लिए ना प्लेट रेडी कर रही थी, प्लेट ना ये थोड़ी सी हल्की सी कुछ डेकोरेट मम्मा करके देते हैं, वही हो रही थी बस फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए। ये देखें, अच्छा मम्मा के ना बैक में बहुत पेन था, मम्मा की ना हड्डियों में थोड़ा सा और ना बैक में थोड़ा पेन चल रहा था मम्मा के, बल्कि थोड़ा नहीं आज तो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इसलिए मैंने मम्मा के लिए लास्ट में पंजीरी भी बनाई है, वो भी आप देखिएगा, पूरी रेसिपी भी उसकी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे बनाई। मैंने खुद यूट्यूब से देख के बनाई लेकिन मैं आपको भी बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाई। काम हो गया है, अब खाना खा लिया है, किचन भी क्लीन कर लिया है, अब मैं बनाने लगी हूँ मम्मा के लिए प्रोटीन बार्स, जो कि ये ड्राई फ्रूट अभी लेके आई हूँ मैं, ये पापा ने भेजे थे मखाने और ये भी पापा ने भेजे थे। अभी सबसे पहले इसको निकालूँगी, ये पिस्ता शेल से निकालूँगी, उसके बाद इसको रोस्ट करना है मैंने पहले, और फिर इन सबको भी रोस्ट करना है, साथ साथ दिखाती हूँ। इसको मैंने रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, बस ड्राई रोस्ट करना है थोड़ी देर तक, जब तक कि ये बिल्कुल क्रंची नहीं हो जाए ना तब तक करना है। मैं भी कोई प्रो नहीं हूँ, यूट्यूब से वीडियो देख के ही बना रही हूँ, और ये सब एक साथ रोस्ट कर लूँगी मैं, और इसको फिर क्रश भी एक साथ ही कर लूँगी। पिस्ते मैंने निकाल लिए सारे, ये कैश्यू और ये आलमंड्स। देखा कितने क्रंची हो गई है, इस तरह ब
बस ये सब भी रोस्ट कर लिए, ये सब ऐसे ही हो गए। मैं ये सब रोस्ट करूंगी। आपकी चीख रिकॉर्ड हो गई। नहीं अभी रुक जाओ, इसको रोज करते हैं फिर सुनना। बना लिया आपने, उसके बाद मुझे बनानी डालते हुए। अच्छा ये मैं इसमें डालूंगी, सुम्बल ने वीडियो बनानी है तो वो मुझे नहीं कैप्चर करने दे रही। इसको दिखा बस, इसको रोज करना है मैंने तो। वाह इधर ये इसमें होगी, गौर से देखो इसी में होगी, देखो नहीं करना। मैं इसको ना इस तरह से बार बार हटा हटा के रोस्ट कर रही हूँ ताकि ये बर्न ना हो। थोड़ा सा गर्म करती हूँ पैन, फिर हटा लेती हूँ। कुछ कुछ अगर नहीं हटाओ तो इस तरह से हो जाते। यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ और सुम्बुल बना रही है अली के लिए फ्रूट चाट। देखा वो देखे, ये अली की फ्रूट चाट रेडी हो गई। सुम्बुल ये कहीं बैठी हुई। चलो बस ज्यादा नहीं, इसको हल्का हल्का ही रोस्ट करना है। मैं इसको निकाल लेती हूँ। तीनों चीजें, दोनों चीजें जो रोस्ट हो गई हैं, अब इनको करते हैं ग्राइंड, इनको पाउडर बनाते हैं। बनाते हैं पाउडर। जो है ना वो मैं इसमें नहीं करूंगी क्योंकि ये देखें, अगर मैंने इसमें ग्राइंड कर लिया ना, इसको पाउडर बना ली तो ये बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। मुझे बिल्कुल पाउडर सिर्फ इसका चाहिए था। इसका मम्मा ने कहा इसको मोटा मोटा रखना, तो मैं इसको क्या करती हूँ शॉपर में डालती हूँ और इसको बेलन से कूटूंगी तो ये मोटा मोटा कूट जाएगा। अगर मैंने इसको ग्लास में कूटा तो ये इतना सारा है, इतना थोड़ा थोड़ा करके कूटेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं इसको शॉपर में डाल के कूट लूँगी। पहले डेट चलाऊँगी, चलो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, भाई मिस्टेक हो सकती है, खैर है। मैंने बॉइल लेनी है यार, मत करो प्लीज। अभी ग्रैनोला बन के वापस बाहर आएगा, अल्लाह करे जो बनाना चाह रही हूँ वो बन जाए। कम लग रही है इसमें, मैं थोड़ी सी डेट्स और डालने लगी। पूरा बॉक्स ही ले लिया मैंने, कहाँ गया वो, फेंक दिया बॉक्स आपने? फेंक दिया। पूरा बॉक्स ही मैंने डेट्स का ले लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा ये मक्खन भी ऐड कर रही हूँ। ये है प्योर मक्खन, ये ब्लू बैंड वाला नहीं है, अली के लिए आया था तो रखा हुआ है इतना सारा। तो ये अब मैं मम्मा के लिए भी इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। और अब सुम्बुल ने अपनी वीडियो बनानी है तो मैं पूरे बार रेडी करके अब आपको दिखाऊंगी, क्योंकि सारी चीज़ें तो दिखाई दी हैं, डेट्स सारे, ड्राई फ्रूट्स और मक्खन। बस अब इनको शेप देनी है, बॉल्स दे लें, बार्स बना लें, जो भी कर लें। कोफ्ते बन रहे अब इसकी मैं छोटी छोटी बॉल्स बना रही हूँ, देखे सब रेडी हो गया, इसको सबको मिक्स कर लिया। नहीं ऑयल नहीं, मैंने ऑयल साफ कर लिया हाथों से, ये इसी की ग्रीस है, वो है डेट्स। सुम्बुल आप सही से तो दिखाओ, नहीं लगी कुछ नहीं हुआ। इस तरह अब मैं बॉल्स बना के रखती जाऊंगी, बीफ कोफ्ते।
रोको मैं हिला दी इसमें बोल के फिर कल इसको फ्रिज में तो ड्राई नहीं हूँ डब्बा देखो नीचे ये बाहर ही रहेगी अम्मा मुझे नहीं पता खजूर भी तो खराब नहीं होती बाहर तो उसके बाद फिर मैंने मम्मा के लिए दूध गर्म किया और शुगर भी जो है वो मम्मा ने नहीं यूज़ कर रही थी और अब तो हमारा प्लान ही यही है कि बस हमने शुगर ख़त्म करनी है और ब्राउन शुगर यूज़ करनी है फिर मैंने मम्मा को दूध बॉईल करके दिया और देखा आपने सिलेंडर पे किया गैस तो आ नहीं रही थी उसके बाद मैंने मम्मा को 2 बॉल्स दी और ये बॉल्स मैंने ना थोड़ी देर यहाँ ड्राई होने रख दी थी ये नेक्स्ट डे की क्लिप है फिर मैंने जब ये ड्राई हो गई थी ना अल्लाह ये ट्रक मैं क्या करूँ इनका फिर जब ये ड्राई हो गई थी ना फिर मैंने इसको ना ये न्यूटेला का जार है और साथ में एक ये एयर टाइट बॉक्स रखा हुआ था तो इसमें करके रख दी ये नेक्स्ट डे की क्लिप है बट मैंने साथ ही दिखा दिया आपको ड्राई होने के बाद बिल्कुल ड्राई नहीं होती बस इतनी हुई थी कि ऊपर से स्टिकी नहीं हो रही थी और फिर ये कुछ मैंने आपको दिखाया था अभी ही के व्लॉग में स्टार्टिंग में कि हम रात के लिए कुछ स्नैकिंग के लिए लेके आए थे बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़ बाय बाय अच्छा जी व्लॉग तो एंड कर दिया है मैंने बट मैंने इसमें ये चीज़ नोट करी दोबारा एडिट करते हुए कि इसमें मैंने लास्ट में आपको लेज़ और कुरकुरे दिखाए ये मैं बता दूं कि मेरे व्लॉग्स पुराने हैं और हमने ये लेज़ क्योंकि इज़राइल प्रोडक्ट है लेज़ और आई थिंक कुरकुरे भी हैं कुरकुरे का मैंने अभी तक देखा नहीं है बट लेस का देखा है तो ये चीज़ें पुरानी हैं ये व्लॉग पुराने हैं ठीक है और अब जब से ये सब हुआ है तब से हमने ख़त्म कर दिया है बिल्कुल और ना ही लेस और ना ही हमारी कोशिश है जितनी प्रोडक्ट से हम बॉयकॉट कर सकते हैं करेंगे और कर रहे हैं इंशाल्लाह तो ये मैं सिर्फ क्लियर करना चाह रही थी कि ये पुरानी व्लॉग है पुराना व्लॉग है इस सारे मामला से पहले का व्लॉग है इस वजह से मैंने इसमें ऐड कर दिया है बस अल्लाह हाफिज़ बाय बाय फॉर नाउ।